C++ में constructors और destructors के spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे constructors, constructors के प्रकार, destructors। हम कुछ उदाहरणों की मदद से यह करेंगे। इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu operating system version 11.10, G++ compiler version 4.6.1। अब constructors के परिचय के साथ शुरू करते हैं। constructor एक member function है। इसका नाम class name के जैसा ही है। constructors values return नहीं कर सकते। जब object बनता है, तो यह अपने आप call होता है। constructors के प्रकार, parameterized constructors, copy constructors और default constructors। अब destructors पर जाते हैं। Destructors memory को deallocate करने में प्रयोग होते हैं। वे call होते हैं जब एक object खत्म होता है। एक destructor कोई argument नहीं लेता और ना ही कोई return types रखता है। अब constructors और destructors पर एक उदाहरण देखते हैं। मैंने editor पर पहले ही एक code type कर लिया है। मैं इसे खोलूंगी। ध्यान दें कि हमारा file name cons-dest.cpp है। इस program में हम constructors प्रयोग करके दो numbers का addition प्रदर्शित करेंगे। मैं अभी कोड समझाऊंगी। यह iostream हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने std namespace प्रयोग किया। फिर हमारे पास addition क्लास है। a और b इंटीजर वेरिएबल्स हैं। ये क्लास addition के प्राइवेट मेंबर्स हैं। यहाँ हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर है। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर addition है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो क्लास का है। यहाँ मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब हमने एक डिस्ट्रक्टर परिभाषित किया। इसके लिए हमने टिल्ड चिन्ह के आगे डिस्ट्रक्टर नेम प्रयोग किया। यह पब्लिक फंक्शन ऐड है। यह a और b का सम रिटर्न करता है। यहाँ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रयोग करके कंस्ट्रक्टर एक्सेस करते हैं। a और b प्राइवेट मेंबर्स हैं। प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम x और y प्रयोग करते हैं। फिर हम डिस्ट्रक्टर एक्सेस करते हैं। इसमें हम मेमोरी डीएलोकेशन प्रिंट करते हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट obj बनाते हैं। फिर हम दो आर्ग्यूमेंट्स 3 और 4 पास करते हैं। 3 x में संचित होगा और 4 y में संचित होगा। इसका मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 है। कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट्स रखता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अतः यह पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट obj प्रयोग करके फंक्शन add कॉल करते हैं और हम सम प्रिंट करते हैं। यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ space cons-dest.cpp space-o space cons। एंटर दबाएं। टाइप करें /cons। एंटर दबाएं। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है। सम इज 7 और मेमोरी डीएलोकेशन। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स पर एक उदाहरण देखते हैं। अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। मैंने पहले ही कोड टाइप कर लिया है। ध्यान दें हमारा फाइल नेम default.cpp है। अगर कंस्ट्रक्टर क्लास में घोषित नहीं हुआ है, तो कंपाइलर क्लास के लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है। अब मैं कोड समझाती हूँ। यह iostream हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने std namespace प्रयोग किया। फिर हमारे पास क्लास subtraction है। फिर हमने public में a और b घोषित किया है। यहाँ हमारे पास sub function है। हमने दो arguments int a और int b पास किए। यह दो numbers a और b का subtraction return करता है। यह default constructor है। यहाँ हम scope resolution operator प्रयोग करके default constructor को access करते हैं। यह हमारा main function है। इसमें हमने variable x परिभाषित किया। यहाँ हम क्लास सब्ट्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट s बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट s प्रयोग करके फंक्शन sub कॉल करते हैं और दो आर्ग्यूमेंट्स 8 और 4 पास करते हैं। फिर परिणाम वेरिएबल x में संचित होता है और यहाँ हम डिफरेंस प्रिंट करते हैं। यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं।
अब कंपाइल करते हैं। टाइप करें g++ space default.cpp space hyphen o space def। एंटर दबाएं। टाइप करें /def। एंटर दबाएं। आउटपुट इस प्रकार रिटर्न होता है, डिफरेंस इज 4। अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और हमारे पिछले उदाहरण में हमने ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट्स पास किए और यहाँ ऑब्जेक्ट्स प्रयोग करके हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। सारांशित करते हैं, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कंस्ट्रक्टर्स उदाहरण एडिशन, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर उदाहरण एडिशन ओबीजे 3, 4, डिस्ट्रक्टर्स उदाहरण एडिशन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उदाहरण सब्ट्रैक्शन। नियत कार्य में डिवीजन नामक क्लास बनाएं, उस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएं और एक फंक्शन डिवाइड बनाएं जो दो दिए नंबर्स को डिवाइड करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें, यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है, ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।